हमारा मौजूद है एसएमएस स्टेडियम में, जहाँ राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के राज्य स्तरीय मुकाबले फिलहाल चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जालौर की कबड्डी टीम, जो कि अपनी जीत का जश्न मना रही है। और हमारे साथ इस टीम में दो ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनके पिता का हाल ही में देहांत हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं। बिल्कुल भी उस जो उनके ऊपर ये चीज़ बीती है उनका ख्याल ना करते हुए अपने खेल के प्रति अपनी डेडिकेशन दिखाते हुए वो फिर भी यहाँ पर मौजूद है और अपना गेम खेल रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रघु कुमारी। और आप अपना आखिरी मुकाबला जीत चुके हैं, अपना पहला मुकाबला जीते हैं। आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मैच जीतकर बहुत खुशी हो रही है। सुनने में आया है कि हाल ही में आपके पिता का देहांत हुआ है, इस चीज से उभर कर खेल खेलने आना और क्या कुछ आपका एक्सपीरियंस अभी तक रहा है? पिताजी की डेथ तो हुई है पर फिर भी उस बात को हम भूल के गेम्स पर फोकस करना चाहते हैं। और यहाँ पे खाने का भी आयोजन आप लोगों को खाना दिया जा रहा है, कैसा ये पूरा आयोजन है? सरकार के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बना है। आपका नाम? सौरभ कंवर। मैच जीत गए हो, कैसा लग रहा है? जीत गए मैम। ठीक है, हमारे साथ टीम के कोच भी मौजूद हैं। नीलम, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में? उनकी जर्नी ये है कि बच्चों के इतना बड़ा हादसा हुआ, फादर एक मतलब एक सपोर्टर होते हैं मगर इन्होंने उस चीज़ को भूला। सेम डे ओपनिंग था, इनका कॉल, इनका मैसेज भी आया कि मैम ऐसे ऐसे हुआ है, पर इन्होंने कहा कि हम खेलेंगे और हम खेलना चाहते हैं मैडम, और हम अपना जिला स्तर पे जीत कर और अपने स्टेट में भी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस। कल से दो मैच हुए हैं, कल इनका 59 और 10 का स्कोर था और आज भी इनका स्कोरिंग बहुत अच्छा रहा, तो उम्मीद है कि ये फाइनल खेलेगी और जीतेगी भी। आयोजन अच्छा है, बच्चों को किसी भी टाइप की कोई तकलीफ नहीं हो रही, होटल्स खाना टाइम टू टाइम मिल रहा है, कि ऐसा नहीं है कि आप इतना नहीं खा सकते इतना नहीं खा सकते, कोई बाउंडेशन नहीं है। बस मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है राजस्थान सरकार। थैंक यू मैम। हमारे साथ जालौर की टीम और कैमरा पर्सन वीरेंद्र शर्मा के साथ मैं कुनिका यादव जयपुर।